लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए क्या रे, तुम लोग का रोज का ऐसा ही लफड़ा चालू। ए चल, ए चल। सर क्या है? हम यहाँ पर वेटर से मिलने आए हैं। ओह, वो देवा को मारने वाला, FIR हो चुका है, मिलना है तो अदालत में जाओ। ए चल, चल। ए पिची, मधु को फोन लगाओ, वो जरूर अदालत में होगी। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ओके मधु। हाँ बोलिए। मधु, हम लोग पुलिस स्टेशन आए हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि उसे अदालत लेकर गए हैं। वेट्री वहाँ पहुँचा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। वो अदालत में नहीं है। मैं भी वेट्री का ही इंतजार कर रही हूँ। वो यहाँ नहीं है, वो अदालत में नहीं है, तो ये लोग उसे कहाँ लेकर गए हैं? पुलिस को उसे बस यहाँ लाने दो, मैं उसके दो टुकड़े कर दूंगा। टुकड़े टुकड़े करके चिलकाओं को खिला देंगे। उसने गणेशन के बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अन्ना, इसने देवा को मारा है, यह बचना नहीं चाहिए। अगर किसी ने इसे छुआ भी तो मैं उसे परिवार समेत जिंदा जला दूंगा। ये मेरा दुश्मन है, सिर्फ मेरा दुश्मन है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये सिर्फ मेरा शिकार है। क्यों डर गया? मेरे सारे आदमी तेरे खून के प्यासे हैं, तो सोच मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूँ। मेरे बेटे को खूरने वाली आंखें मैंने फोड़ दी, लेकिन मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी। तेरी मौत एक मिसाल होगी, देवता भी मौत से डर जाएंगे ऐसी मौत। जानता है मेरा बेटा कौन था? मेरी जान, मेरी पहचान। उसके लिए मैंने दर दर भटक कर भीख मांगी और ये शहर छोड़ दिया, और तूने उसे सरे आम मार डाला, तो सोच तेरी मौत कैसी होनी चाहिए। आज मेरे पास उसकी खून से भरी हुई शर्ट पड़ी है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। गुस्से में आकर तूने से मार डाला ना? जहाँ तूने मेरे बेटे को मारा था, उसी जगह मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। आज से ठीक 16वें दिन, और तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी और लोगों को मेरी ताकत का एहसास होगा। दिन गिनना शुरू कर।
आज से तू हर पल यही सोचेगा कि आखिर क्यों मैंने गणेशन के बेटे को मारा। लेकिन अब से तो आजाद है, ले जाओ इसे। केस का क्या होगा? इसे मारने के बाद तुम मेरे खिलाफ केस फाइल करना। अब इसकी मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। सर, अन्ना ने तो केस करने से मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? भूल जाओ उसे, इसे सौंप कर हमने हमारी ईमानदारी साबित कर दी। उसकी हर बात थोड़ी ना मानेंगे हम। हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, वो कुछ भी कहे, हमें बस केस से मतलब है। एमकेएस ने कंप्लेंट फाइल की है, हम इसे अदालत में हाजिर करेंगे, फिर हमारा काम खत्म। कौन किसे मारता है उससे हमें क्या। मदुराई अन्ना नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मठु थावानी डबल मर्डर केस की सुनवाई में यह अदालत आरोपी वेट्री को आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मदुराई सेंट्रल जेल में 15 दिनों के रिमांड पर भेजने का हुक्म देती है और पुलिस को आदेश देती है जल्द से जल्द इस मामले की जांच पूरी करें और आरोपी को 23 तारीख को अदालत में पेश करें। भैया, गणेशन ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की है, फिर आपने केस फाइल क्यों की? अगर उसको पता चल गया फिर क्या होगा, बोलिए। वो अपने बेटे के कातिल को माफ कर सकता है, मैं नहीं करूंगा। उसने मेरे इकलौते बेटे की जान ली है, मैं अब उसे जिंदा नहीं देख सकता। मुझे पता नहीं तुम ये कैसे करोगे, लेकिन मुझे उसका कटा हुआ सिर चाहिए, जान के बदले जान। मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा, ये लो। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। तुम्हें कितना समझाया लेकिन तुम नहीं माने। क्या इस तरह जेल में सड़ने के लिए हमने तुम्हें वकील बनाया था, बोलो। बच्ची, बेटरी, हमारे सेलूर के रणजीत और जिंदा भी यहीं पर है, वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैंने उनके पास तुम्हारे कपड़े दिए हैं, जाकर बदल लो। सजा है प्यार से ये जहां, डोर रिश्तों की कभी टूटे ना। सजा है प्यार से ये जहां, डोर रिश्तों की कभी टूटे ना। लहर किनारा जैसे भूले ना, अपनों का साया ऐसे छूटे ना। रोशनी ना हो तो क्या है अंधेरा भी, अपने ना हो तो क्या फिर जीना भी। दर्द ही मरहम, खुशियाँ फिर गम। दर्द ही मरहम, खुशियाँ फिर गम। देखो, तुम्हारी बहनें तुमसे प्यार करती हैं, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम उनका खून हो, लेकिन उनके पति भी तुम्हें चाहते हैं। तुम वाकई लकी हो, समझ गए तुम। पर क्या है, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। मासूमों की जान लेना इन लोगों का रोज का काम है, वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम चौकन्ने रहना। Ugh!
रुक, भागता कहाँ है? रुक! उसे मारने के लिए आदमी क्यों भेजे हैं? जानते हो ना वो मेरा शिकार है। अन्ना, उसने मेरे बेटे को मार दिया और आप मुझे चुप रहने को कह रहे हैं? ये मुझसे नहीं होगा। मैं तब तक आदमी भेजता रहूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है अन्ना। ओहो, लगता है अपने बेटे के बिना तुम जी नहीं सकते। अगर तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो ना, लो ऊपर जाकर भर के गले लगना उसके। अरिया खोल के देख लो पोस्टर को, जल्दी तुम्हारे भाई के भी ऐसे पोस्टर लगेंगे, समझ गई? मैडम, इसने तुम्हारे भाई को मरवाने की कोशिश की है, उस पर हमला करवाया है, इसलिए तुम सब लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और इसकी लाश दरवाजे पर छोड़ दी। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? क्या कहा? इसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की? तो क्या ये अपने बेटे के खून करने वाले की आरती उतारेगा? क्या सर, आप जानते नहीं ये खून किसने किया है? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे भांजे ने गणेशन से दुश्मनी मोल ली है, उसके बेटे को जान से मारा है। अब अपने भांजे की लाश देखने के लिए तैयार रहना तुम लोग, चलो रे। मैं जानता था एक न एक दिन ये तो होने ही वाला था। उसे कई बार समझाया लेकिन वेटरी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब हम सबकी जान खतरे में है और तो और पुलिस भी उनसे मिली हुई है। दीदी, हम सब गणेशन के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं, उससे दया की भीख मांगेंगे। नहीं, हम उसे मिलने क्यों जाएंगे? बराबर, काय को जाएंगे? हम लोग कोयले के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनो, सब लोग शांति से सोचो, हमें कुछ भी करके वेटरी की जान बचानी पड़ेगी। ये कोई तरीका हुआ क्या? देखो भाई, ऐसे गुस्सा होकर कुछ नहीं होगा, कम से कम हमारी बात तो सुन लो। क्या हम वेटरी को आजाद नहीं देखना चाहते? बोलो। हम उससे मिलने जाएंगे। Thank you.
मैं कोई साधु संत नहीं हूँ जो तुम्हारे भाई को माफ कर दूंगा। तुम डर रहे हो कि कहीं मैं उसे मार ना दूं, लेकिन मैंने अपना बेटा खोया है। बोलो किसका दर्द बड़ा है, हैं? मेरा बेटा नहीं रहा, अब तुम्हारे भाई को मैं मारूंगा। मैंने पहले बोला था यह आकर कोई फायदा ही नहीं होगा, इससे दया की उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए था। तुम कम से कम हमने कोशिश तो की, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है कि जेल ही बैटरी के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ वो कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रहेगा। तुम लोग बस बातें करते रह जाओ, वो देखो बैटरी बाहर आ गया, वहाँ बैठा है। ये यहाँ कैसे दीदी? मैं भी यही सोच रही हूँ। बैटरी तुम जेल से बाहर कैसे आ गए? केस करने वाले को मारने के बाद गणेशन ने खुद इसकी बेल करवाई है। देखो बेटरी, कम से कम इस बार हमारी बात मान लो। उसके सर पर बदले का भूत सवार है, वो तुम्हें मारना चाहता है। तुम मदुराई छोड़ दो, कुड़ाई कनाल में मेरा एक भाई रहता है, तुम उसके पास चले जाओ। देखो जब तक मामला ठंडा नहीं होता तुम वापस मत आना। देखो इस समय चले जाने में ही हम सब की भलाई है। जिया जी, लेकिन मैं क्यों भागूं? 16वां दिन उसका आखिरी दिन होगा, मेरा नहीं। दीदी बस तुम एक बार मुझसे कह दो, उसका सर तुम्हारे कदमों में होगा। कितनों को मारेगा तू? हाँ बोलना, कितनों को मारेगा? आज तुम उसे मारोगे, कल उसके भाई की जान लोगे, क्या जिंदगी भर बस यही सब करते रहोगे? हाँ जवाब दो, क्या इसीलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? कल उन्होंने हमारे दरवाजे पर लाश फेंकी और हमें धमका कर चले गए, ये सब अब खत्म करो, समझे? ए बैटरी, क्या सिर्फ तुम्हारा खून खोलता है? हम भी योद्धाओं के खानदान से हैं, मारना काटना हमें भी आता है, फिर भी मैं पब्लिक टॉयलेट में काम करता हूँ। जब मैं छोटा था तब 15 सालों तक पिताजी से मिलने जेल गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को भी वही सब करना पड़े, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। आखिर हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। आपका मतलब मैं कायरों की तरह भाग जाऊं? तुम्हें भागने को किसने कहा? दिमाग से काम करो ना भाई। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरी बात कभी नहीं मानोगे, लेकिन अपने बहनों के बारे में तो सोचो जिन्होंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है। अगर फिर भी तुम अपने ही मन की करना चाहते हो तो जो सही लगता है वो करो, हमेशा यही तो करते आए हो। तुम्हें समझाने वाले आखिर हम होते कौन है? बैटरी मुझे लगता है पेट की भूख मिटाने के साथ साथ मैंने शायद तुम्हारा डर भी मिटा दिया। बैटरी इन सब की बात मान ले, कुछ दिन के लिए ना ये शहर छोड़ के चले जा, आपको क्या लगता है? बैटरी अपने घर वालों की बात मान लो प्लीज।